राजौरी में सुंदर बनी के साथ लगते गांव बनपुरी में नौशहरा के विधायक रविंद्र रैना पाकिस्तान पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कई पवित्र स्थान पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं। 1947 में विभाजन के समय पाकिस्तान ने भारत के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और कहा कि अपना क्षेत्र वापस लेकर रहेंगे और अखंड भारत का फिर से निर्माण करेंगे। भारत देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के कबायलियों ने, पाकिस्तान की फौज ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। बहुत बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के आज भी नाजायज कब्जे में है, जिसको पीओके कहते हैं। और गुरु काशीगिरी जी की जो गद्दी है, ये मूलतः पाकिस्तान के कब्जे वाले उस जम्मू कश्मीर के उस भाग पुंछ पलंदरी बाग उस एरिए के अंदर स्थित है, बानगंग के अंदर, जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। हर साल सुंदरवानी के इस बनपुरी के अंदर एक महासम्मेलन होता है, जिसमें हजारों की तादाद में देश भर से लोग आते हैं और संकल्प करते हैं और याद करते हैं अपनी मातृभूमि को कि हमने ये क्षेत्र जो है वो वापिस लेना है, जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में, ये जो क्षेत्र पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे के अंदर 1947 में चला गया, उस क्षेत्र को भी हमने वापिस लेना है और पुनः अखंड भारत का निर्माण करना है। साथ ही साथ इस यहाँ जो महायज्ञ होता है, इस यज्ञ के अंदर भी आके भारतीय सनातन पुरातन संस्कृति और संस्कारों पर चर्चा होती है, महासम्मेलन होता है, धार्मिक उद्बोधन होते हैं और अंतोगत्वा सभी मिलकर संकल्प करते हैं कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और अपने पुरातन सनातन संस्कृति के लिए बढ़ चढ़ कर काम करेंगे, ताकि हमारा भारत फिर से विश्वगुरु हो और भारत फिर से एक महान राष्ट्र हो।